हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ गया है और मार्केट में लेसवा आना शुरू हो गया है। लेसवा सिर्फ 10 से 15 दिन ही आते हैं, फिर ये मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो आज हम बनाएंगे लेसवे का अचार। ये राजस्थान का प्रसिद्ध अचार है और राजस्थान में ये लसोड़े के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेसुए का अचार बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो लेसुए लिए हैं। तो ये मैंने एक तपेली में 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें सभी लेसुए डाल देंगे। तो लेसुए हमें गर्म पानी में ही थोड़ी देर रखना है, 10 मिनट के लिए। मतलब जो लेसुए का कलर है वो हल्का सा येलो कलर हो जाना चाहिए। प्लेट से हम इसे ढक देंगे। जब हमने इसको डाला था तब ग्रीन कलर था और अब ये लाइट येलो कलर हो गया है। और इसे मैं आपको तोड़ के भी, मतलब दबा कर भी दिखाती हूँ कि हमने जिसे जैसे डाले थे ये वैसे ही है कड़क, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। बस हमें इसका कलर ही चेंज करना था, इतनी ही देर पानी में रखना था और अब हम इसे छलनी में निकाल लेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें कि लहसुए को आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कलर हल्का सा येलो कलर इस तरह से आ जाना चाहिए, तब आप इसे बाहर निकाल लें। इसे बहुत ज़्यादा देर तक आपको गर्म पानी में नहीं रखना है। इसे एक कॉटन के कपड़े पे डाल देंगे और हाथ से इस तरह से फैलाकर पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। लहसुए ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे, ये मैंने 250 ग्राम केरी ली है। केरी के छिलके बिल्कुल भी नहीं निकालना है, छिलके सहित ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। लहसुए के अचार में केरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं केरी डाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक इस तरीके से अचार नहीं बनाया है तो इस बार आप मेरे तरीके से अचार बनाएं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम केरी को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी केरी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। लेसुए बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसकी गुटली निकाल लेंगे। बहुत से लोग इसकी गुटली नहीं निकालते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे गुटली निकाल कर ही बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से इसमें चाकू डालें और बीच में से इसकी गुटली निकाल लें। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसकी गुटली निकाल लें। अगर आप इसकी गुटली अभी नहीं निकालेंगे तो जब आप अचार खाएंगे तो आपको मुंह में से निकालना पड़ती है गुटली, तो आप पहले से ही इसकी गुटली निकाल लें तो अचार बहुत टेस्टी भी लगता है और आपको खाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने सभी लहसुए की गुटली निकाल ली है। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप सौंफ ली है और चम्मच से नापा जाए तो ये 4 बड़े चम्मच सौंफ है। 1/2 कप राई की दाल डालेंगे, वजन में ये 50 ग्राम है। और 1/2 कप इसमें सरसों डालेंगे, अगर आपके पास सरसों नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स सॉरी, वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है। 1 कप इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/4 कप सादा नमक, 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा मेरे से स्किप हो गया था, तो लगभग मैंने इसमें 100 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर डाला है। मसाले को कद्दूकस करी हुई केरी में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचार का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेसुए हैं
इसमें हम बीच में अच्छी तरह से मसाला भरेंगे, मतलब जैसे हम भरवा भिंडी, भरवा मिर्ची या टेंसी बनाते हैं तो मसाला अच्छी तरह से हम भरते हैं, उसी तरह से हमें इसमें भी अच्छी तरह से मसाला भरना है। इस तरह से हम सभी लेसवे में मसाला भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें भरना है। तो ये देखिए मैंने सभी लेसवे में मसाला अच्छी तरह से भर लिया है। और अब हम कांच की बरनी में अचार डालेंगे। तो ये मैंने कांच की बरनी ली है, इसमें जो केरी का मसाला जो बच गया है वो थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसमें लेसवे डालेंगे। अगर आपने लेसवे में मसाला भरकर अभी तक अचार नहीं बनाया है तो इस बार आप इसी तरीके से अचार बनाएं। फिर से हम इसके ऊपर केरी का मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला मैं इसमें बचा रही हूँ। मैं आपको दूसरे तरीके से भी अचार बनाना बताऊंगी। इसमें एक कप तेल डालेंगे। तो ये मैंने मीठा तेल लिया है, मूंगफली का तेल। और अगर आप इसमें सरसों नहीं डाल रहे हैं तो आप इसकी जगह सरसों का तेल डालें। इसे हम एक चीनी की प्लेट से ढक देंगे और कॉटन के कपड़े से इस तरह से बांध देंगे। इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, सालों तक चलता है। तो आप इस तरीके से कपड़े से इसे बांध दें। ये जो मसाला है आप इससे मिर्ची का अचार भी बना सकते हैं। तो ये मैंने मिर्ची में बीच में कट कर लिया था और इस तरीके से हम अच्छी तरह से इसमें मसाला भर देंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं और उसके बाद मिर्ची डाल देंगे। और फिर इस पे हम जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो डाल देंगे। और इसमें एक चौथाई कप सरसों का तेल डालेंगे और इसे भी ढककर रख देंगे। अगर आप मिर्ची का अचार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सारा मसाला लेसवे के अचार में भी डाल सकते हैं। ये मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रही थी कि आप इस तरीके से भी मिर्ची का अचार बना सकते हैं। आज दूसरा दिन है, हम अचार चेक कर लेते हैं कि अचार कैसा बना है। ये देखिए अचार का कितना अच्छा कलर आया है और जो लेसुए हैं वो थोड़े से गल भी चुके हैं। तो ये आप इसे एक दिन में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। इसमें मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। मैं आपको एक लेसुआ निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया ये। इसमें मुझे तेल कम लग रहा है तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो इसमें हम एक कप तेल और डाल देंगे। तो टोटल मैंने इसमें 500 ml तेल डाला है, मतलब एक कप तेल मैंने कल डाला था और एक कप तेल आज डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अचार में तेल अच्छा होना चाहिए, अगर तेल कम रह जाएगा तो आपका अचार जल्दी खराब हो जाएगा। इसमें तेल ऊपर तक रहना चाहिए। तो ये देखिए हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आप लेसवे का अचार फ्रीज में रखेंगे तो साल भर तक इसका कलर ऐसा ही रहेगा।